सो हेलो गाइस, मैं पर किंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवजी गेम प्ले। सो गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे फ्री फायर के अपकमिंग अपडेट्स के बारे में, OB21 के अपडेट के बारे में कि OB21 के अपडेट में फ्री फायर में आपको कौन कौन से न्यू फीचर, न्यू सेटिंग्स एंड बहुत कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ फ्री फायर की वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलो यार, बिना बकवास के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गैस, हमारा जो सबसे पहला अपडेट है गैस, जो कि OB21 के अपडेट के बाद आप लोगों को गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गैस, बाइक पे जो डबल सीट अलाउ हो चुका है। यानी कि गैस, पहले तो क्या था कि बाइक पे ओनली वन सीट था, आप सिर्फ ड्राइव कर सकते थे, आपका जो कोई टीममेट बाइक पे नहीं बैठ पाता था। बट अब जो है अपडेट के बाद ये अपडेट को जो ला दिया जाएगा, यानी कि आप जो है आप बाइक पे अपने एक टीममेट्स को ओनली वन टीममेट्स को जो है बैठा सकते हो। यानी कि डुओ के लिए तो यार परफेक्ट है, बट यहाँ पे जो है ओनली बोले तो डबल लोडिंग ही अलाउ हुआ है, ट्रिपल लोडिंग अलाउ नहीं हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे तीन बंदे को बैठाने की कोशिश ना करें, वरना आप लोगों को जो है गेम के अंदर बाहर कर दिया जाएगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो डबल लोडिंग यहाँ पे चल रही है बाइक। तो ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताया। मेरे को तो यार काफ़ी अच्छा अपडेट लगा, क्योंकि ये अपडेट होना चाहिए यार, बाइक पे डबल लोडिंग तो होना चाहिए, तभी तो बाइक का मज़ा आएगा। तो यार यहाँ पे जो है फाइनली ये अपडेट को ला दिया जाएगा OB21 के अपडेट के बाद। अब जो है गाइस, हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड अपडेट की ओर। सो गाइस, हमारा जो दूसरा अपडेट है वो गाइस फ्री लुक। यहाँ पे देख सकते हो सेंसिटिविटी के अंदर आपको जो है एक न्यू सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा फ्री लुक। तो ये क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोलर में जो आपको एक न्यू सेटिंग देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सबसे लास्ट में देखने को मिले आपको फ्री लुक, जिसको आप लोगों को ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली इसको ऑन करना है। ऑन करने से होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही आप लोग उसको ऑन कर देते हो तो आप गेम के अंदर जो आपको एक न्यू बटन देखने को मिलेगा आई टाइप का। ओके, देख सकते हो यहाँ पे आग टाइप का। अब इसका उपयोग किया या इसका यूज़ किया वो मैं आपको दिखाया। तो पहले क्या था गाइस कि आपको जब कैरेक्टर आप लोग रनिंग करते यानी दौड़ते थे, तो उस टाइम पे आपको लेफ्ट राइट देखने के लिए आपको जो पूरे कैरेक्टर को ही मूवमेंट करना पड़ता था लेफ्ट टू राइट। बट अब जो है क्या होगा, आपका कैरेक्टर जो है यहाँ पे सीधा चलता रहेगा, और आप जो को अगर लेफ्ट या राइट देखना है तो आपको सिंपली इस बटन को यूज़ करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को, तो यहाँ पे गाइस आपका क्या होगा, कैरेक्टर सीधा चलता रहेगा और आप जो है लेफ्ट राइट भी इजीली देख पाओगे। आपका सिर्फ फेस जो है कैरेक्टर का फेस मुंडी वही सिर्फ मूवमेंट करेगा, पूरा कैरेक्टर मूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अपडेट है काफ़ी बोले तो मस्त अपडेट है, फ्री फायर के अंदर ये अपडेट होना चाहिए। आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब गाइस बढ़ते हैं अपने तीसरे अपडेट की ओर। तो गैस, तीसरा जो अपडेट है वो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर होने वाला है। यानी कि गैस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जो आप लोगों को ग्लोबल फाइनली देखने को मिल जाएगा OB21 के अपडेट के बाद। बहुत सारे भाई का भी कमेंट आ रहा था कि भाई जो ट्रेनिंग ग्राउंड में ग्लोबल कब देखने को मिलेगा, तो OB21 के अपडेट के बाद जो है यहाँ पे ग्लोबल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी तक फिलहाल जो आप लोगों को फ्लैश बैंक और ग्रेनेड जो है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर देखने को मिलता था, बट अब जो है वहाँ पे ग्लोबल को भी ऐड कर दिया जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि ग्लोबल को जो है बहुत ही जल्द ऐड कर दिया जाएगा। तो फाइनली जो अपडेट के बाद वहाँ पे ग्लोबल को भी ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को ग्रेनेड वगैरह बारे पता नहीं है कि ग्रेनेड कैसे लिया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा, आप लोग भी वो वीडियो जो है देख सकते हो। अब गाइस बढ़ते हैं अपने चौथे अपडेट की ओर। तो गाइस, चौथा जो अपडेट है गाइस वो है कि फ्री फायर के अंदर एक न्यू अटैचमेंट ऐड किया जाएगा। सॉरी, अटैचमेंट नहीं, यहाँ पे जो न्यू आइटम जो कि यार यहाँ पे देखते हो स्मोक ग्रेनेड, जैसा कि ग्लोबल ग्रेनेड है उसी टाइप का यहाँ पे एक न्यू स्मोक ग्रेनेड जिसका नाम है गाइस वो ऐड किया जाएगा। अब फाइनली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसका जो यूज़ किया है गाइस। तो यहाँ पे जैसे इसका सबसे बड़ा यूज़ ये है कि आप अगर आप लोग इसको यूज़ करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे आप लोग इसको यूज़ करें तो वहाँ पे जिस एरिया में आप लोग यूज़ करोगे जो पूरा एरिया यहाँ पे धुआं धुआं हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे जो इनमी लोग को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसका मेन उपयोग यार रिवाइव के टाइम है, यानी कि जब आपका कोई बंदा नॉक हो जाता है, आपके पास ग्लोबल वगैरह नहीं है, तब जो आप लोग वहाँ पर स्मोक ग्रेनेड मार कर अपने टीममेट्स को जो वहाँ पर ईजिली रिवाइव कर सकते हो। ये जो एक न्यू अटैचमेंट ऐड किया गया, सॉरी न्यू आइटम ऐड किया गया है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट जो अपडेट है गाइस वो क्लैश स्क्वाड के ऊपर है। यानी कि आप OB21 के अपडेट के बाद जो है क्लैश स्क्वाड में कुछ चेंजेज हो गई। जैसे गाइस अभी तक जो है आप लोग क्लैश स्क्वाड गेम प्ले करते हुए तो वो सिर्फ बरमूडा मैप में ही आता था, फैक्ट्री, क्लॉक टावर, इसी सब जगह पे आता था, यानी कि सिर्फ बरमूडा में आता था। बट अब जो है अपडेट के बाद क्लैश स्क्वाड जो आप लोग यहाँ पे कालाहारी न्यू मैप जो कालाहारी है उसके अंदर भी आप लोग जो है यहाँ पे क्लैश स्क्वाड खेल सकते हो। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो यार कालाहारी का जो ये इलाका हड्डी वाला इलाका वहाँ पे आया हुआ है। इसी तरीके से ये जो है आप लोगों को यहाँ पे कालाहारी के बहुत सारे एरिया में जो क्लैश स्क्वाड देखने को मिल जाएगा। तो ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, बट बोले तो कोई खास नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा अपडेट है। तो आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके बाद गाइस एक छोटा सा अपडेट है जो कि डायमंड रॉयल के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो डायमंड रॉयल का जो नेक्स्ट बंडल है वो फीमेल का बंडल होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
आई थिंक मेरे ख्याल से लगभग सभी बंदे को पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ। ये जो है नेक्स्ट जो डायमंड रॉयल होने वाला है वो फीमेल का बंडल होने वाला है। सो गाइस यही कुछ अपडेट था, लेकिन जिससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा अपडेट के ऊपर, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो भी जरूर देख लेना। ओके, उसमें मैंने अपकमिंग अपडेट्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया, जो कि यार OB21 के अपडेट के बाद गेम के अंदर बहुत कुछ न्यू ऐड किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आ लगे तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।